एक पुजारी हनुमान जी की मूर्ति लेकर जन सुनवाई में पहुंच गया। पुजारी ने प्रशासन को बताया कि मंदिर की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, मंदिर की जमीन को कब्जे से मुक्त करवाया जाए। छतरपुर में जन सुनवाई में उस समय अजीब स्थिति बन गई जब एक पुजारी गोदी में हनुमान जी की मूर्ति लेकर पहुंच गया। एसपी और कलेक्टर के पास आवेदन देकर उसने बताया कि नौगांव तहसील के कुल 12 गांव में मंदिर की जमीन पर दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है। तब से अब तक सिविल न्यायालय के फैसला उसके पक्ष में आने के बाद उसे उस जमीन पर कब्जा नहीं मिल पाया है। जिस मंदिर पर हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है, इसलिए वह हनुमान जी को साथ लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। पुजारी के आवेदन पर एसडीएम ने संबंधित एसडीएम से बात कर इस मामले को तत्काल निराकरण कराने का आदेश दिया। समस्या ये है कि 2016 में जीत गए थे भगवान सिबलकोट से और 2022 में जीत गए, लेकिन आज तक पटवारी तहसीलदार से न्याय नहीं मिल रहा है। दबंग लोगों को 1,00,000 रुपया लेकर के उन्हीं को कब्जा दिए हैं और भगवान दर्दर फल रहे उनकी जमीन में भूखे प्यासे हम मांग मांग करके एक मुकदमा लड़े, लेकिन तहसीलदार पटवारी कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए हम अनशन पे बैठने के लिए के द्वारा और मुझे संज्ञान में आया है। मैंने दूरभाष पे संबंधित एसडीएम से बात की है, संबंधित एसडीएम को भी क्या बोलते उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है, जो भी उनकी मांग है वो विधि के समय क्रम में क्या बोलते उसकी जाँच करके जो भी बेहतर होगा उसके लिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।